ले तो इसी तरह से रिक्शा चलाते पाए जाओगे। यानी एक मुख्यमंत्री है उस पर धर्म की आड़ में घृणा फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा उस पर दूसरा कुछ आता नहीं है। तो योगी हो मोदी हो, इन्होंने धर्म को राजनीति में इस तरह से मिलाया है कि धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर कोई दूसरा टॉपिक है ही नहीं। तो इनसे किसी और चीज की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसके विषय में आप शिकायत भी किससे करोगे, वही सब कुछ करने वाले हैं, FIR भी करने वाले वही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले वही हैं और आगे अदालतों के हालात सबको मालूम ही है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन लोगों को इसका सकारात्मक जवाब देना पड़ेगा और बहुत कस के जवाब देना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में सभी को, पूरी जनता को, इन सारी चीजों को समझते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, तभी इनको समझ आएगी कि जो तुम कह रहे हो वो सच्चाई से कहीं दूर है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी उनकी सोच विकासात्मक नहीं थी, वो जो जातिवाद के नाम पे दंगे करवाते थे। नहीं, मुझे पता नहीं उनकी विकासात्मक सोच थी नहीं सोच थी, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मायावती ने विकास किया तो सड़क वही वाली दिखाई, यमुना एक्सप्रेस वे उसी का फोटो दिखाया, और अगर अखिलेश यादव ने विकास किया तो लखनऊ से आगरा जाने वाला जो हाईवे है उसी का वो फोटो दिखाया। पर योगी का विकास कैसा है कि विकास दिखाना हो तो कलकत्ता से तो सड़क लेके आते हैं, अमेरिका से बिल्डिंग लेके आते हैं, और जो फैक्ट्री है वो भी अमेरिका से लेके आते हैं। इसे आप विकास कहोगे? अबे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास है कुछ दिखाने के लिए, विकास किया है, उस विकास को दिखाते क्यों नहीं? जितना तुम विज्ञापन देते हो उस विज्ञापन में सब बाहर से चीज लेके आते हो। तो ये है इनकी सच्चाई। अगर विकास किया होता तो वो दिखता है नहीं, तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस की नींव पड़ चुकी है। नहीं, नींव पड़ने से क्या होता है? आप बिल्डिंग खड़े करो, 5 साल में आप नींव डालोगे तो काम कितने साल में करोगे? अगर 5 साल में नींव पड़ रही है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने वैसे कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कौन कौन सी चीज आप दिखाओ ना, दिखाने को कुछ भी नहीं है। तो जब दिखाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने किया कुछ नहीं है, विज्ञापन कर रहे हैं। और विज्ञापन के लिए अभी जो सप्लीमेंट्री बजट योगी सरकार ने दिया उसमें 500 करोड़ रुपए इसी काम के लिए खर्च किए गए, इसी काम के लिए रखे गए हैं। जो सूचना विभाग उनका है, सूचना विभाग क्या कर रहा, यानी आम जनता का जो पैसा है उस पैसे पर सरकार का विज्ञापन कर रहा, उसका प्रचार कर रहा है। तो उनके पास है कुछ भी नहीं दिखाने। लेकिन सर दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या है तो दलित मंत्री क्यों नहीं बोलते? नहीं, दलित मंत्री पूछो, उनसे जाकर पूछो ना आप दलित मंत्री से कि क्यों नहीं बोलते। हम तो जनता है भाई, हम तो जनता की आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, और आज भी उसी जनता की आवाज उठा रहे हैं, उसके साथ में खड़े हैं। मंत्री का काम मंत्री से पूछो, मंत्री का सवाल मंत्री से। इसी जनता ने चुना ना उस मंत्री को भी सर? नहीं, जिस जनता ने चुना है वो जनता ही आज उनसे पूछने जा रही है कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम सरकार के लिए, मतलब उसी के लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जनता के लिए काम कर रहे हो जिस जनता ने तुम्हें चुना है। सर लगता है जो ठेकेदारी के खिलाफ आज जन इकट्ठा हुए हैं, ये आंदोलन सफल होगा? भाई मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति उम्मीद करके लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, और इतनी बड़ी संख्या जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर वहां तक, ये संख्या इस बात का संकेत है कि लोगों ने ठान लिया है कि सरकार की जो गलत नीतियां चलती आ रही हैं, विशेषकर ठेका प्रथा जो है चल रही है, उसको खत्म करने के लिए ये जी जान से लड़ेगी, संघर्ष करेगी, और इस ठेकेदारी प्रथा को और इसके अलावा और जो हमारी मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा लगा। सर SC ST का जो फंड है दिल्ली सरकार में उसको लेकर भी विवाद है कई साल? बिल्कुल विवाद है, और हमने कहा है, मैं अभी बता रहा था थोड़ा, 23,000 करोड़ रुपया जो पिछले 5 साल में एलोकेट किया इस केजरीवाल सरकार ने, मात्र 3% लगाया, और RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो सोशल जस्टिस विभाग है इनका, उनके माध्यम से हमने हासिल की है। तो ये पूछा जाना चाहिए, हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि ये बता दे भैया जो 97% रुपया है वो कहाँ गया, उसे बताया जाए कि जो 20-21,000 करोड़ रुपया है वो कहाँ गया। केजरीवाल अगर आप कहते हो कि दलितों के लिए आप काम कर रहे हो, आप मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हो, तो भैया वो दिखना भी तो चाहिए, केवल बिजली पानी इसी का हल्ला मचा रहे हो और तो कुछ नहीं। जा रहा है बिजली पानी फ्री दे रहा, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना वहाँ से कट तो उसके लिए जो पैसा है क्या शलुकास का पैसा लिया जाएगा? और अगर शलुकास का पैसा काटा जा रहा है तो शलुकास इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, दलित किसी भी कीमत पर, बहुजन किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो उसके हक का पैसा है वो मार के किसी और मद में दिया जाए, कहीं और इस्तेमाल किया जाए। पूरे देश में तो दिल्ली को एक मॉडल दिखाया जा रहा है, यूपी में, उत्तराखंड में। देखिए पहले गुजरात मॉडल दिखाया मोदी ने, उसकी हवा निकल गई सबको मालूम है, अब ये केजरीवाल ये दिल्ली मॉडल दिखा रहा है। इसी दिल्ली मॉडल की हकीकत जो है हम सबको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कह के आया कि ठेका प्रथा हम हटाएंगे, ये सारी चीजों को खत्म करेंगे, उसने आज तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। जो काम होता है ठेकेदारी प्रथा में हो क्या रहा है कि जो कर्मचारी उसके नाम से उतने ही पैसे सरकार से
चाहते हैं, लेकिन बीच में जो ठेकेदार है वो और सरकार ये दोनों मिलकर दलाली करते हैं। माना 30,000 रुपये उसके नाम से आता है तो उस तक मुश्किल से 10 या 15,000 पहुंचता है, बीच का 15-20,000 जो है वही सरकार के ठेकेदार और सरकार ये दोनों मिलकर खा जाते हैं। तो जब नाम से उसके आता है, जब उसी के लिए सारा वहाँ से मिलता है सरकार से, तो वो सारा का सारा उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो वही करता है। लेकिन सर दलित समाज फिर केजरीवाल को मोदी की जगह पे क्यों देखा है, कह रहे हैं आने वाले 5 साल में 10 साल में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं समझता कि दलित समाज इस बात को देख रहा है, बहुजन समाज इस बात को देख रहा है। हाँ, ये उनका प्रचार है कि वही जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात करे। केजरीवाल बिल्कुल मोदी की ही तरह है, जिस तरह से वो जो कहना है वो करना नहीं, ठीक यही हाल केजरीवाल का, जो कहना है वो करना नहीं। तो इसका सब्स्टिट्यूट है क्या सर? बहुत सब्स्टिट्यूट है, इसके सब्स्टिट्यूट में क्या कमी है? देश में एक से एक काबिल व्यक्ति है, देश में एक से एक योग्य व्यक्ति है, एक से एक जुझारू संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग भी देखें, नजर उठा के आपको नहीं दिखाई देते हैं, खूब लोग हैं, लेकिन आप भी उन्हीं के प्रचार में आ जाते हैं कि केवल यही है। ना तो योगी, ना ही मोदी और ना ही केजरीवाल, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दी। दिल्ली में मोदी का तो चेहरा आप सबके सामने जाहिर हो चुका है, नहीं केजरीवाल, वो अभी सबके सामने आ रहा है। सर दिल्ली में रिजर्वेशन भी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा था। देखिए, उनकी नियत नहीं, ठेकेदारी प्रथा इसीलिए की जा रही है ताकि रिजर्वेशन खत्म हो, हमेशा ये रिजर्वेशन को खत्म करना इनकी जो है सब लोगों की प्रायोरिटी रहती है, और ये ठेकेदारी प्रथा जो है उसका एक बड़ा वो हिस्सा है। आज भी काम तो वही आदमी कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है, दलित कर रहा है, बहुजन समाज का आदमी कर रहा है, लेकिन जो ठेकेदार है वो सवर्ण समाज से है, वही आदमी जो है लूट मचा रहे हैं, सारी की सारी दलाली वो और सरकार कर रहे हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। बीजेपी के रास्ते चलने का केजरीवाल भी नहीं, केजरीवाल और बीजेपी में अंतर क्या है? केजरीवाल की पैदाइश कहां से है? केजरीवाल की पैदाइश अन्ना आंदोलन से है, और अन्ना आंदोलन आरएसएस द्वारा खड़ा किया गया, तो केजरीवाल आरएसएस का ही आदमी है, आरएसएस का ही एजेंट है केजरीवाल, बीजेपी की भी टीम है, ये आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, पहले भी कहता था मैं ये बात, लोग मानते नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली दंगों के बाद सबकी उसकी सूरत सामने आई तब लोगों ने माना कि आप ठीक कह रहे थे। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का खड़ा किया आदमी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। स्कूलों में संविधान पढ़ाया जा रहा है क्या? वोट बैंक की राजनीति हो रही है दलितों की? ये सब नौटंकी है, केवल नौटंकी है। अगर आपको पढ़ाना है तो सिलेबस परित तरीके से आप उसको डिसाइड करें और उसके बाद आप पढ़ाएं। संविधान पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन संविधान में क्या क्या चीजें पढ़ानी जरूरी है वो समझना जरूरी है। संविधान में आप पढ़ाइए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सरकारों की जो ड्यूटी है वो क्या है, जो हमारी जुडिशरी है उसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाने की जरूरत। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे सीएजी है, जैसे आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी चीज़ें वो जो ज़रूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है आप उसे पढ़ाए ना, आप उसे नहीं पढ़ा के और कुछ पढ़ाए तो उसका मतलब। जय भीम मिशन चल रहा सर। कौन सा जय भीम मिशन? भाई मुझे पता नहीं कौन सा मिशन चल रहा, जब सामने आवेगा जब देखेंगे कौन सा मिशन चल रहा। जय भीम तो ये भी बोल लेना, जय 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 भीम सब बोल रहे सारे, और भीम मिशन ही चलेगा। इस देश में लड़ाई ही दो तरह की है, या तो ब्राह्मणवाद की और यह है अम्बेडकरवाद की, और ब्राह्मणवाद जितना कर सकता था नुकसान इस देश का कर लिया, आने वाले समय में अम्बेडकरवाद ही चलेगा और अम्बेडकरवाद ही देश को बचाएगा। ठेकेदारी प्रथा बंद करो। हाँ। सरकार तो ठेकेदारी बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? जब उन्होंने बोला था ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाएगी, रेगुलर करेंगे, परमानेंट करेंगे, क्यों नहीं किया उन्होंने? और ये तो केजरीवाल जी ने बोला था, बोला था तो उनको कहां पे वो बुलाओ ने। देखिए, ये दलित समाज का ही नहीं, ये सभी का, क्योंकि ये रोजगार का मामला है। क्योंकि रोजगार के लिए हर बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है इस टाइम, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने, जब केजरीवाल सरकार आई थी, उन्होंने ये वादा किया था कि जितना भी ठेकेदारी प्रथा है और जो भी है दिल्ली से ये हटेगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अभी भी ठेकेदारी बढ़ ही रही है, कमी नहीं हुई है। उम्मीद है आपको कार्रवाई होगी। देखिए, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं केजरीवाल जी से, और बाकी वो देखो क्या करते हैं आगे की कार्यवाही। वोट तो आप ही देते हैं। बिल्कुल, हम लोग जो है आज भी डिपार्टमेंट के धक्के खा रहे हैं और केजरीवाल सरकार साहब की उसके भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी केजरीवाल सरकार और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ठेकेदारी लाने में लगा हुआ है, हमें वो दिन बे दिन डिप्रेस कर रहा है, और इस बात के लिए वो कर रहा है कि भाई तुम लोग ठेकेदारी में चले जाओ, तुम्हारा इसमें भविष्य, ठेकेदारी में क्या भविष्य है आप लोग ये बताइए हमें, क्या भविष्य है ठेकेदारी में? हमारे 12,000 रुपए ठेकेदारी में, 12,000 रुपए ठेकेदारी में मिलते, 12,000 ठेकेदारी से मिलने से घर चल जाएगा, बच्चे पल जाएंगे। पर देरी नहीं करती आपने विरोध करने में? बस
हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा था, ना कोई उम्मीद मिल रही थी। हम जब भी कोई हमारे साथ अन्याय होता था, हम केजरीवाल साहब की और हेल्थ मिनिस्टर साहब की कोठी पे चले जाते थे। लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं दलितों को। बिजली पानी से सर घर नहीं चलता, घर तो रोजगार से चलेगा। आप जब रोजगार दोगे जभी तो हम अपना घर चला पाएंगे, अपने बच्चे पढ़ा पाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। जब हमारे पास इस मुद्दे पे हुआ था, दिल्ली सरकार ने वादा, दिल्ली सरकार ने ये वादा करा था कि भाई हम जितने भी ठेकेदारी पड़ता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को, सबको रेगुलर करेंगे। इस विषय पे हमने दिल्ली सरकार दिया था, दिल्ली सरकार ने ये वादा करा था हम ठेकेदारी पड़ता खत्म करेंगे और जो है सबको, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है सरकारी विभाग में, उनको सबको रेगुलर परमानेंट करा जाएगा। लेकिन आज तक उस विषय पे कुछ नहीं हुआ और एक एक कर्मचारी को 10-10 साल हो रहे हैं और हमारे कोरोना काल में हमारे कितने भाई बहन गुजर गए हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। तो क्या झूठे हैं केजरीवाल भी? झूठा एक नंबर है। अभी तक कोई वादा पूरा नहीं करा। हमें बिजली पानी फ्री, टिकट नहीं चाहिए हमें। इधर ये बिजली पानी फ्री करते हैं, उधर ये बाकी तेल का उसका दाम बढ़ा देते हैं। हमें क्यों दे, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे ठेके